YouTube चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट का एग्जाम हो चुका है और आपने एक रफ आइडिया लगा लिया होगा अपने स्कोर के बारे में, क्योंकि आपने आंसर की से में क्वेश्चन पेपर को चेक कर लिया होगा कि आपने कौन से क्वेश्चन का क्या रिप्लाई दिया था और आपका क्या स्कोर आ रहा है। इसके बारे में आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा। कंफर्म आपको जब एनटीए की आंसर की आ जाएगी और रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद कंफर्म हो जाएगा। जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा हुआ है उनको कंग्रेचुलेशन, लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लास्ट चांस नहीं है। अभी आपको आगे और मौके मिलेंगे, काफी सारे मौके मिलेंगे। और नीट में ये अभी देखा जा रहा है, पहले 12th के साथ स्टूडेंट का हो जाता था, दूसरी साल में भी सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन अभी 3 या 4 अटेम्प्ट्स तो लग ही जाते हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सभी स्टूडेंट के मन में ये उत्सुकता होगी होगी कि आपने एक अपना स्कोर कैलकुलेट करने के बाद आपको ये जानने की उत्सुकता होगी कि कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या कट ऑफ रह सकती है। तो आज इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ मैं जो प्रेडिक्ट करता हूं वो बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। 2022 में मैंने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी, 595 प्रेडिक्ट की थी और वो एक्यूरेट गई थी, एक भी मार्क्स का डिफरेंस नहीं था। ऐसे ही 21 में रहा था और ऐसे ही 20 में रहा था। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। 17 जुलाई को पिछली बार एग्जाम था, उसके 4 या 5 दिन बाद में मैंने वीडियो बना के कट ऑफ प्रिडिक्ट कर दी थी, जो 5 या 6 में मैंने बाद में बिल्कुल एक्यूरेट साबित हुई। उसमें एक ही मार्क्स का डिफरेंस नहीं था। देखते हैं, ये वीडियो मैं आपको प्रमाण के लिए दिखा देता हूं। फैक्टर को देखते हुए 595 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है। 595 जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है, ये मेरा मानना है। अब बाकी कैटेगरी की बात कर लेते हैं हम यहां पर। तो बाकी कैटेगरी का मैं आपको यहां बता दूं, इस सर्वे में मैंने एससी एसटी के स्टूडेंट को भी कंसीडर किया है, उनसे भी मैं मिला हूं, उनके पेपर का भी रिव्यू मैंने देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। पहले मैं बता देता हूं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनकी तीनों की समान सी कट ऑफ जाती है, वो 595 मैंने यहां आपको बता दिया। ईडब्ल्यूएस की हो सकता है 594, एक दो मार्क्स ईडब्ल्यूएस की कम जा सकती है यहां पर, लेकिन ओबीसी की रैंक में कम जाएगी लेकिन मार्क्स सेम रहेंगे। अब इसमें हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो 475 यहां कट ऑफ इनकी जा सकती है, और एससी कैटेगरी की बात करें तो तकरीबन इसमें 20 मार्क्स का डिफरेंस रहता है, तो इसमें हम बात करेंगे यहां कि इनकी कट ऑफ 445 रह सकती है। अभी ये जो मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट की है, ये सारा कोचिंगों के डाटा से एनालिसिस करके, स्टूडेंट से एनालिसिस करके, उनके पेपर का क्वेश्चन देखे कि कितने स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन किए हैं, तो इसमें मैंने काफी सारी मेहनत करके ये फाइनल कट ऑफ प्रेडिक्ट की है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, मैंने वैसे की वैसे कट ऑफ प्रेडिक्ट की है जो रही थी, इसलिए मेरा आकलन सही रहता है। और मैं जब कट ऑफ प्रेडिक्ट करता हूं तो सारे डाटा के साथ एनालिसिस करके ही कट ऑफ प्रेडिक्ट करता हूं। अब मैं आपको यहां 23 की कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 23 में, तो आपके मार्क्स पे कौन सी कॉलेज मिल सकती है, आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है, इसके बारे में मैंने बुक लिख दी है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, आयुष, वेटनरी, सभी की हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक अवेलेबल है। इसमें मैंने 4 साल की कट ऑफ दे रखी है, लेकिन आप पिछले साल की कट ऑफ से आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि कट ऑफ पिछले साल वाली ही इस साल रहने वाली है, तो आप इस बुक से आइडिया लगा सकते हैं। इसमें मैंने कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, सीट, बॉन्ड के बारे में डिटेल, हर एक स्टेट के काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में डिटेल दे रखी है, ऑल इंडिया कोटा का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट से समझा रखा है, तो इसमें सारी फैसिलिटी दे रखी है मैंने। जैसे ही आप बुक डाउनलोड करेंगे मैं आपसे संपर्क कर लूंगा, आप रिजल्ट से पहले आपके जितने भी डाउट हैं मेरे से क्लियर कर सकते हैं।
तो आपके लिए ये बुक काफी हेल्पफुल रहेगी। मैं ये बुक हर साल लिखता हूँ, इस साल भी मैंने लिखी है, और हर साल स्टूडेंट व उनके पेरेंट्स को काफी लाभदायक होती है। इसी से उनको काउंसलिंग में काफी हेल्प मिलती है। इसमें ओपन कोटा के लिए भी दे रखा है कि कौन सी कॉलेज कौन से स्टेट में कितनी फीस पर कितने नंबर पर मिल सकती है, ये सारा सब कुछ आप इसमें जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके कट ऑफ की, क्या कट ऑफ रह सकती है 2023 के लिए। तो कट ऑफ के लिए जो मेनली फैक्टर होते हैं वो तीन होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। अब इसमें एक बार कट ऑफ जानने से पहले हम 23 का डिफिकल्टी लेवल देख लेते हैं कि कैसा रहा था, और इसमें 22 का एक बार इससे कंपेयर कर लेते हैं कि 22 का पेपर कैसा था और 23 का पेपर कैसा था। तो 23 का पेपर फिजिक्स का इजी था, केमिस्ट्री का मॉडरेट था, और बायोलॉजी का मॉडरेट था। आपने पेपर दिया है, आप इस बात को जानते हैं। केमिस्ट्री का अब अगर 23 से 22 का कंपेयर करें तो केमिस्ट्री का पेपर 23 में थोड़ा सा टफ रहा है, थोड़ा सा 22 में थोड़ा सा इजी था, लेकिन 23 में थोड़ा सा टफ रहा है ये केमिस्ट्री का। बाकी सेम फिजिक्स 22 की तरह ही है, बायो भी सेम 22 की तरह ही है। बायो में थोड़ा सा ऐसा है कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे वो थोड़े से इस बार एआर रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो थोड़े पिछली बार से ज्यादा थे। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो ये पेपर 22 की तरह ही है, इसमें कोई इतना ज्यादा फेरबदल नहीं है। अभी थोड़ा सा बायोलॉजी और केमिस्ट्री थोड़ा सा इसमें अगर हम हार्ड माने पिछली बार की तरह, तो बात यही है कि पिछली बार स्टूडेंट को आइडिया नहीं था कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस बार ये आइडिया हो गया था। तो ये तो मैटर फिर इक्वल हो जाता है 22 का 23 के, यानी कि इतना ज्यादा इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आगे की, इसके फैक्टर कौन कौन से काम करने वाले हैं। तो जो तीन फैक्टर काम करते हैं उसमें सबसे पहला जो आपका फैक्टर है डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन पेपर का है, वो तो सेम 22 की तरह ही हो गया, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि वही 22 की तरह इसी का डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन पेपर का। अब बात करते हैं टोटल अपेयर्ड कैंडिडेट और नंबर ऑफ सीट्स, ये दोनों 22 की तरह ही रहने वाले हैं, क्योंकि जितनी कैंडिडेट 22 में 21 से 22 में अपेयर हुए थे उतने ही कैंडिडेट इस बार भी अपेयर होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रजिस्टर्ड कैंडिडेट बराबर हैं तो अपेयर कैंडिडेट भी बराबर होंगे, कोई थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फैक्टर भी 22 की तरह ही रहने वाला है, टोटल अपेयर कैंडिडेट भी 22 की तरह ही रहने वाला है। नंबर ऑफ सीट्स, जैसे 22 में सीट्स इंक्रीज हुई थी, अब की बार इससे थोड़ी सी ज्यादा सीटें इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है, तो ये भी फैक्टर 22 की तरह ही है। मेन बात, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इस बार कट ऑफ जानी है वो 22 की कट ऑफ की तरह ही जाने वाली है, जितनी 22 की कट ऑफ थी वही कट ऑफ रहने वाली है। यूआर कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो 595 कट ऑफ रह सकती है यहाँ, यूआर की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की। ये कट ऑफ तीनों बराबर जाती हैं। ईडब्ल्यूएस में 1 मार्क्स थोड़ा सा डाउन जाता है, ओबीसी में रैंक जरूर डाउन जाती है, लेकिन मार्क्स तकरीबन सेम ही रहते हैं। तो अगर हम तीनों की कट ऑफ के बारे में बात करें तो ये 595 पिछली बार जितनी कट ऑफ थी उतनी ही कट ऑफ इस बार जा सकती है, एससी की 470 और एसटी की 450 कट ऑफ जा सकती है। अभी कॉलेज वाइज कट ऑफ के लिए, कॉलेज वाइज कट ऑफ भी उतनी ही जा सकती है जो पिछली बार थी, जो पिछली बार थी कॉलेज वाइज कट ऑफ भी इस साल इतनी ही जा सकती है। स्टेट में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, स्टेट कट ऑफ में थोड़ा फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि जितने सारे अपेयर्ड कैंडिडेट होते हैं हर साल तो उसमें स्टेट की कट ऑफ में फर्क पड़ता है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है स्टेट की कट ऑफ के लिए कि जितनी सारी नई कॉलेजें रन होती हैं उससे भी स्टेट की कट ऑफ में फर्क पड़ता है। तो स्टेट वाइज कट ऑफ अप और डाउन होगी, लेकिन ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ मैंने बताई है आपको, ये ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ ही है, ये ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ 22 की तरह ही रहने वाली है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। फिर भी मैं पिछली बार की तरह इस बार भी एक सर्वे करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स का, जिसमें हर एक स्टूडेंट से मैं मिलता हूं, उनके क्वेश्चन पेपर से डाटा लेता हूं कि उनके फिजिक्स में कितने मार्क्स आए, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए, बायो में कितने मार्क्स आए, और इसमें जूलॉजी बोटनी में कितने मार्क्स आए, कौन सी कैटेगरी है उसकी,
तो ये सारा का सारा उसके नेगेटिव कितनी हुए, मार्क्स कितनी आ रहे हैं, तो ये काफी सारे स्टूडेंट्स का मैं ये डाटा लेता हूँ, उसका एनालिसिस करता हूँ और ये सर्वे करने के बाद में कट ऑफ प्रेडिक्ट करता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन वाइज ये प्रैक्टिकली बताऊंगा, क्वेश्चन वाइज मार्क्स बताऊंगा, कौन से क्वेश्चन में फिजिक्स में कितने मार्क्स आ सकते हैं, केमिस्ट्री में स्टूडेंट के एवरेज कितने मार्क्स आ सकते हैं, बायोलॉजी में स्टूडेंट के एवरेज कितने मार्क्स आ सकते हैं, जिससे आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स का भी पता लग जाएगा कि एवरेज स्टूडेंट को कितने मार्क्स आए हैं। हर एक साल की तरह इस बार भी मैं एक ये सर्वे जल्द ही लेने वाला लेकर आने वाला हूं, इसमें 2-3 दिन का समय लग जाएगा। तो उस सर्वे के अकॉर्डिंग मैं आपको फिर कंफर्म कर दूंगा कि 23 की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो ये जानकारी थी 23 की कट ऑफ के बारे में। मैं फिर से बता देता हूं आपको, अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके लिए काउंसलिंग में काफी हेल्प करेगी। और इस बार तो ये हेल्प करेगी कि पिछली बार की कॉलेज वाइज जितनी कट ऑफ है वही कट ऑफ इस बार रहनी है, तो वही कट ऑफ रहेगी, तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको 23 में कौन सी कॉलेज मिलने वाली है। तो एक सर्वे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, सर्वे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, मैं आपको एक्यूरेट कट ऑफ बताऊंगा। मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।